अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इजी होममेड मैंगो आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। आइसक्रीम को बनाने के लिए थोड़े आम को हम लोग पीस लेंगे और जो थोड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे बारीक कर लेंगे और उसको जो है हम लोग आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आम को पीस ली हूँ और एक बाउल में मैंने तकरीबन 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली हूँ। व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो जब हम केक बनाते हैं तो जो क्रीम यूज़ करते हैं ना, उसी को कहते हैं व्हिपिंग क्रीम। उसको मैंने 2 कप ली हूँ, क्योंकि ये वाला जो बर्तन था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने इसको ये वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। और इसको जो है हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे, व्हिप कर लेंगे इसको अच्छे से। क्योंकि व्हिप करने के बाद जो है इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं बढ़ जाती है, इसके लिए कोशिश कीजिए कि बर्तन जो रहे वो थोड़ा बड़ा रहे। फिर जब हम इसको व्हिप कर लेंगे, उसके बाद इसमें जो हमने आम की प्यूरी बना के रखे हैं, आम को जो पीस के रखे हुए थे, उसको डाल देंगे। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 5 रुपीज़ वाला मिल्क पाउडर है, 2 पैकेट्स लिया है मैंने। तो ये मिल्क पाउडर के दोनों पैकेट इसके अंदर डाल देंगे। मिल्क पाउडर को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसको डालने से जो आइसक्रीम बनती है वो बहुत ही अच्छी, सॉफ्ट और बहुत क्रीमी बनती है, और बिल्कुल भी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं आते, बहुत अच्छी बनती है। और फिर उसके बाद जो मैंगो के थोड़े टुकड़े मैंने रखी हुई थी, उसको भी ये आइसक्रीम के अंदर डाल के तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसके ऊपर से जो है मैंने थोड़े से मैंगोज़ के टुकड़े और डाली हूँ। ये रेसिपी में तकरीबन मैंने 1 किलो आम यूज़ की थी। फिर इसी बर्तन के ऊपर जो है ऊपर से फॉइल पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर इसका ढक्कन रख देंगे, और इसको हम लोग फ्रीजर में 6 घंटे के लिए रख देंगे। देख सकते हैं मैंने इसको फ्रीजर में रख दी हूँ, 6 घंटे तक का इसको रहने देंगे। आप फॉइल पेपर ज़रूर लगाइएगा, उससे क्या होगा ना, आपकी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। वरना फ्रीजर में रहने के बाद भी देखना, आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रीमी टेस्टी बनेगी। 6 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसका फॉइल पेपर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने निकाल दी हूँ, और इसको अब हम लोग चम्मच से निकालेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत ही आसानी से निकल रही है, बिल्कुल भी देखिए इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हुए हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बाहर मार्केट के आइसक्रीम से भी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। और अगर आप मैंगो लवर है तो आपको तो ये आइसक्रीम बिल्कुल ज़रूर पसंद आने वाली है। इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ प्याले में। मैंने इस रेसिपी में दशहरी आम यूज़ की हूँ, आपको कोई भी जो आम पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मेरी जो व्हिपिंग क्रीम थी ना वो ऑलरेडी मीठी थी, इसके लिए मैंने कोई शक्कर उसमें ऐड नहीं करी हूँ। और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, मैंगोज़ भी मीठे थे, इसके लिए शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये कितनी अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। आप भी इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही डिलीशियस है, आपको रिकमेंड करती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।